अब मैंने सारे मसाले धूप में सुखा कर पीस लिए। जैसे ये जीरा है, अब इसमें धनिया और सौंफ वो पीस ली, और ये दालचीनी, ये लौंग, सौंठ पाउडर, इसमें है लौंग, जायफल, मेथी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, इसमें सब मसालों का मिक्सर है जो इकट्ठा ही पीस लिया। और ये है सौंफ का पाउडर जो कि मैंने लास्ट में पीस लिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें जो ये रखा था हल्दी और नमक, इसको भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे मिला दूंगी ताकि ये ख़राब ना हो। बरसात के मौसम में नमक इसको ख़राब नहीं होने देगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करके, हल्दी से इसमें पीला कलर आ जाएगा और नमक से इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। और एयर टाइट डब्बे में हमें इसे रखना पड़ेगा ताकि इसको थोड़ी सी भी हवा ना लगे और ये खुशबू से भरा हुआ रहे। ये तो हो गया मेरा गरम मसाला तैयार। अब कुछ मसाले ऐसे हैं वो अलग से पीसूंगी, जैसे कि अभी इसको तो मैं, ये डब्बा है, इसमें भरूंगी, और कुछ बचेगा तो इसमें भरूंगी। ये दो डब्बे मेरे आराम से इससे भर जाएंगे। फिर पीसूंगी मैं अलग से मेथी दाना, इसको थोड़ा सा अलग से पीस के रखेंगे ये, और मिर्ची भी अलग से पीसेंगे, ये मिर्च को भी अलग से पीस के रखेंगे।